से आधे में से और जोर से क्या बोले थे मार दो बोले थे इसको ना? सवाल का जवाब दे लो जाने का भी तेरे को हुकुम दे दिया मारते रहो उसको और मारो अंदर से आग लगाओ उसके हाँ कैसा करना कितने साल से परेशान कर रही थी उसको क्या नाम है इनका हाजरा हाजरा को कितने साल से परेशान कर रही थी तेरा हाथ वाथ कतर दूंगा अब भी चलो उसके जकड़ लो उसको तेजी से उसके हाथ काट के बाद टांग को ले लेंगे बोल सवाल के जवाब करेगा उन्हें जवाब दूंगा बोल कौन है तू कहां से आई थी कौन होती इसकी मार दो तुझे देखी कैसी ताकत है देखी बहुत ज्यादा कौन तुम्हारा कार नहीं करता सामने झगड़ो तुम्हारे साथ में कितने साल से हाजरा को कितने साल से परेशान कर रहे हो कब मारने का था बीमारी डाल के सुसाइड करा के कैसे मारने का था जंजीरा वाली फौज को बुलाओ और उसको जकड़ के लो सीधा पाओ हाँ बुलाओ बाहर से तेजी से फौज को जकड़ के लो उसको काट के लेंगे अभी काट दो कहाँ से क्या ली क्या ली थी जल्दी बोल मट्ठी और क्या ली मट्ठी और कपड़ा चप्पल क्या ली जाने की इजाजत नहीं दिया मैं अभी छोड़िए पकड़ हाँ जकड़ो उसको तेजी के साथ में तुझे जाने की इजाजत नहीं दी से बदनाम निकला फोन करा तो हमारे वालदा उनका नाम मुन्नी है अहमद हमारा भाई है हम गांव में घर बनाए वो टीन शेड ऐसी बना लिए हमारी मेहनत से हम बना लिए हम किसी के हम लोगों को शादी होते एक 8-10 साल 15 साल हुआ हमारे बच्चे औलाद नहीं है इन्हें कहा इनके तरफ हमारे वालदा हमारा भाई मिलके इन्हें कहा अपने मायके में लेके चल जाती की मेरे मुझे मेरे बेटे को
आज कल के दिन में कुछ भी हुआ तो इसको कुछ बताओ, इसे नहीं होना उसकी तरफ, पूरा घर जो है मैं मेरे भाई बेटे के बच्चों को होना बोल के दोनों मिल के करे, कहीं भी गए तो दोनों का नाम कहीं भी हम, मैं यकीन नहीं आया मैं, बहुत से ऐसे भी रहते ना उनका नाम लेके करने वाले, तो मैं उनका यकीन नहीं करा, इसलिए आपका वीडियो देखा। मैं इमामत कर दूँ हजर, मैं निजाम डिस्ट्रिक्ट में रहा, मुक्काल बोल के है मेरा निजाम डिस्ट्रिक्ट, मैं इमामत करता हूँ। कितने साल से? मैं 15-20 साल हुआ। कहाँ से पढ़े? जी मैं यूँ भी उत्तर प्रदेश से पढ़ा हूँ, मदरसा रहमानिया से। तो वालदा हमारे इनके मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं कर रहे ये इसके पीछे पड़े इन्हें, हालांकि मेरे हमारे एहसानात हमारे भाई के ऊपर सबके ऊपर है, वालदा की जिम्मेदारी मेरी है, हालांकि उनको हर तरफ से दुआ भी करूं उनके हक में, माँ है उनके, उनको जो भी है करना है उनकी खिदमत करूं। आज ये 3 बच्ची है, माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, हैदराबाद के आगे रहने वाले हैं, जहांगीर पीर दरगाह है ना वहाँ उनके मुजावरा है, वहां से बच्ची करके लेके आए उन लोग, जैसे हम घर बने इनको, जब से रमजान के बाद से अब तक कुछ भी नहीं हुआ, 2020 में बनाया घर, 20 में हो गया, 20 में बनने के बाद 21 हुआ, 22 के रमजान में ईद वहीं कर रहे, वालदा है ना उनके वहीं कर रहे सदी, अब ईद करने के बाद आए घर को शुरू कर दिया होगा। अरे हाँ में तो रात तक नींद उनका हराम है, अब इनको सताना मुझे सताना बराबर है, उनको तकलीफ देना मुझे तकलीफ देना बराबर है हजरत, अब रात तक नींद नहीं है, चैन नहीं है इनको, परेशान, खाना नहीं, कुछ नहीं, हालत रह जा रही इनकी। शादी में कितना टाइम हुआ? 15 साल हुआ सर। और ये प्रॉब्लम कब से हुई? जी ये रमजान के बाद से 2022 के 1 साल के करीब हुआ। चले उठना ला, अब तक जाने की इजाजत नहीं दिया, बहुत मारने आ लेते को, बाप का राज चल रखा तो लोग परेशान करने को, हाँ जलाओ उसके आग लगाओ अंदर से, झगड़ो उसको दिल से, क्या उठ के इधर आ, सबसे जल्दी ना ऊपर काट दूंगा अभी 1 मिनट में, चले जाती जोर से, चले जाती चले जाती, चले और नहीं गई तो नहीं, चले जाती फिर उनके घर में वापिस आ गई तो नहीं, नहीं छोड़ देती जोर से बोल, मेरी भाव को छोड़ देती। और कितने लोग मिले सो इसके साथ में जादू करते वक्त? दोनों थे। क्या नाम है? हेमंत। हेमंत और उनने हट गया और मैं और कौन है? मुन्नी हिंदू से कराए, मुसलमान से कराए? मुन्नी जादू किससे कराए? जादूगर कौन सा? हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान से करा, शमशान से करा? कहाँ से लाके डाला इसके अंग में? कहे में खिलाए थे उसको, कहे में मिला के खिलाया आदरा भी को, हाँ दवाई कहे में डाले थे, जल्दी बोलने को प्रक्रिया दूंगा, वो टमाटर का सलाद किसके घर में खिलाए वो? कहाँ बुला के खिलाए? मेरे घर में किसका घर? हजरा भी का या फिर उनके सास का? हजरा के घर में, सास के घर में, सास के घर में ये पैरों की मट्टी लिए थे क्या? जलाओ उसके पैरों में आग लगाओ, जलाओ तेज से, सास के घर में, लाओ उसके पैरों में तेजी से आग लगाओ, सास के घर में। कितने बार खिलाए थे और कितने बार? क्या दुश्मनी थी करने की? दुश्मनी बोल, जल्दी ऊपर काट के जला दूंगा। बच्चे के लिए चल जाती, मेरे बच्चे बोल के, मेरे बच्चे के लिए चले जाएंगे बोल के कर दी मैं कर दी, मैं हट जाती, मैं नहीं कुछ भी नहीं बोलती, मैं उसको छोड़ देती। दवा कहाँ है? दवा खिलाए वाली उसके पेट में बैठे है ये कि दिमाग पे चढ़ी? छोड़ देती। दवा खिलाए सो, दवा कहाँ है? पेट में है, दिमाग पे है? नहीं, दिमाग पे है।
दिमाग पे चढ़ गई। ठीक है जकड़ो उसको और तेज सा। जाती बोल रही नहीं गई तो क्या करना फिर? नहीं चले जा। और जादू करी तो क्या करेंगे फिर? नहीं अब छोड़ देती हूँ। दूर दूर चले जा रही, छोड़ देती। जोर से तोबा कर, जल्दी उठ के तोबा तोबा बोल। छोड़ देने से बहुत जलेंगे। छोड़ देती अब उन्हें, बहुत बहुत दूर दूर चले जा रही उन्हें। अब मैं छोड़ देती उसको। देखिए अल्लाह के कलाम के सामने कोई ताकत नहीं है जादू टोने की, कोई हैसियत नहीं। जलाओ उसके पैरों में जरा आग लगाओ तेजी से। और कौन मिला ला है? जोर से चले जाती। और कौन मिला ला है? था चलेगा उन्हें, हट जा। अहमद भी था? था। और कौन था? अहमद था, चलेगा। और उन्हें कहना था उन्हें चलेगा। जादूगर को कितने पैसे दिए थे जादू चलाने को? याद नहीं आ रहा। कौन था, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता वो, कौन सा गाँव का है वो, कौन से गाँव का है जादूगर? कौन से गाँव का, नाम गाँव का? जले नहीं बोलती, गाँव का नाम नहीं बोलती मैं। जल्दी जलाओ उसके पैर में आग लगाओ, जलाओ उसको तेज से। मेरा ससुराल, चलो वो जा ससुराल बोल रहा हूँ। ससुराल की किसकी ससुराल की नाम बोलो औरत का, किसका? जल्दी बोल, जल्दी बोल, किसका ससुराल, किसका ससुराल है वो? हाँ नाम से बोल, तेरा नाम ससुराल वाली का नाम? नाम बोल, कौन है राजूराम में, कौन? जलाओ उसको तेज के साथ में। और वो जादूगर की सारी तंत्र मंत्र की क्रिया सब जकड़ के लेके खत्म कराओ उसकी। मेरे एक सवाल का जवाब दे, उसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे थे? उसके बच्चे कौन रोक रहा था वो नहीं होना बोल के? कौन जादू कर रहा था उसको बच्चे नहीं होना बोल के? जल्दी बोलो, मैं पूरा जला देता हूँ। क्या उसमें भी तेरा हाथ है? बच्चे ने उन्हें दूसरी करके लाना बोल के? और क्या तकलीफ मेरी चीज को तुम? और डराना, मारना, पावा पकड़ के खींचना। चलो सारी उसकी तंत्र मंत्र के लिए जकड़ के लिए खत्म कराओ, नष्ट कराओ। कौन है राजने में, कौन है वो, नाम बोलना। असल मेन का नाम नहीं बताया। नहीं क्या करने को, उसका नाम जानते उसको मना रखी है, उसकी सारी इसी चीज खत्म कर देने का ना। उसका दो टक्के वाले का नाम निकालेंगे भिखारी का, तो उसका और लोग पहुंचेंगे ना इसी कथा करने को। जकड़ो उसको, उसकी भी सारी तंत्र मंत्र की क्रिया खत्म कराओ। ऐसा उन लोगों पे जादू कर रहा बेगुनाहों पे। डाल दो इसको जंजीरा लाके, और उसकी जो पेट में की और दिमाग में की नस नस में भिने वाली दवा सब जमा कराओ, और फौरी उल्टियां में जुलाबम बाहर निकालने की तैयारी करो। फौज को हुक्म दो और उसको मार मार के खत्म कराओ सारी तंत्र मंत्र क्रिया को सबको। चल 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 अब निकल, जल्दी निकल, छोड़ उसको जल्दी। ये जो मसला है, चल मेरे कैमरा लगे, ये जो मसला है ये खुद को खुद लगे वाला है, कोई ऐसी किस्म की बला नहीं है। ये जो है तो ये लाके करके जागरूक करके पैदा करके खिला के लाके छोड़ देते उसको, और जिसने छोड़ा उन्हें उसके ताम पकड़ के लेके अंदर बैठ गया। दूसरी बात,
जिन्नात की नस्ल अलग है, शैताना राजी अलग है, खबीसा अलग है, बहुत अलग अलग किस्में हैं। और ये जो रहते हैं मिनहा खलकना कुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तरतन उखरा, कुल खबर मट्टी डाल दी तो सातों हमजा दब जाते इंसान के। और बाद में जादू कर क्या करता है, एक हमजा तो ऊपर बैठा करता है। हदीस में कुल आला है कि खबर के ऊपर वो जो शैतान था तुम्हारा भहकाने वाला, तुम्हारा हमजा जो आईने के अंदर नजर आता, तो वो खबर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता। और वो क्या करता, फिर वो उस गुनहगार का ताकतवर रहता और नेक इंसान का कमजोर रहता। जादूगर हम उसको पकड़ लेते, पकड़ के सांगों में लोगों को छोड़ के उनको परेशान करते। वो कसम का एक अलग इल्म है, एक इल्म ऐसे भी कसम का तिलस्म है कि जिससे जिन्नातों को काम लगाते, एक किस्म का तिलस्म ऐसा है कि जिससे शैतानों को काम लगाते, एक किस्म का तिलस्म ऐसा है कि जिससे चुड़ैल फिड़ैल एक्सीडेंट वाले बलाएं ये वो सबको पकड़ के लगाते। बहुत अलग अलग किस्में, अलग अलग थीरीज है। और ये खुद ब खुदाई वाली बला नहीं है, ये खुद ब खुदाई वाली रहती थी तो अभी इज्जत से सुबह चले जा और निकाल के बाहर फेंक देते थे तो उन्हें रिटर्न शरीर में इंटर नहीं कर सकती थी। और ये जाने के बाद में फिर 40 कदम यहाँ से चले गए या 80 कदम चले गए या 2 दिन या 4 दिन बाद फिर ये अम्मास पूर्णम में बीच में फिर अंदर की जो दवा है तो मैग्नेटिस मैग्नेट जैसा लोहे को खींचता वैसा दवा रिटर्न को खींचता, किसको बुलाती वो अंदर की बला, फिर वो रिवर्स आके अंदर बढ़ जाती। और उसका काम क्या रहता, अंदर अंदर गलाना, कमजोर करना, गोली दवा खाने के बाद भी गोली दवा असर नहीं कर रही, सर्जरियां होने के बाद भी सर्जरियां फेल हो जा रहे। तो तुमको ये समझना चाहिए कि वो कोई किस्म की बीमारी नहीं है, बीमारी को मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ने वाला है कि एक झटके में राइट कर देता। और अगर नहीं, दिल निकाल के दिल दूसरा डाल देते, दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग डालते, टू मच उसमें तरक्की कर ली साइंस ने। बट ये जो चीजें हैं ये यहाँ तक नहीं पहुंचा अभी उन्हें, क्योंकि उसकी खास बात है कि पहले वो बहुत सारे चीजों को मानता नहीं था। जब रिसर्च करते करते वहां तक पहुंचे तो वो मानते जाते, रिसर्च नहीं करे तो नहीं मानते वो। अब वहां तक उनका रिसर्च गया चाहिए, जब यहाँ जाएगा रिसर्च तो उसके बाद उनको पता चलेगा कि दुनिया भी है और भी है, सब ये सब बातें, सब दास्तान, सब पता चलेगा। कोई तो है जो निज़ाम जिनमें कायनात की हस्ती, वो कौन सी हस्ती है जो कायनात का सारा निज़ाम चला रहा, कोई तो है। तो वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह है, उसको वो इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हिंदी में उसको ईश्वर बोलते हैं, संस्कृत में उसको ईश्वर बोलते हैं, उसको तुम्हारे इससे जबान में उर्दू में खुदा बोलते, सब नाम उसके से। और उसकी कोई शक्ल नहीं है, फिर उसको सब बाल से बारीक तुम अगर स्टडीज करेंगे सारे धर्मों की तुम्हारा सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं तुम्हारा संस्कृत से बताऊँ तो संस्कृत में तो पहले बोले, मैंने अभी बीच में देखा कि लोग अल्लाह के नाम पे माज़ अल्लाह गालियां दे रहे, छोकरे नौजवान लड़के न्यू जनरेशन को उल्लू बना रहे और बोल रहे अल्लाह के नाम पे माज़ अल्लाह गाली दे दो। अबे अकल के अंधे, तू गाली दे रहा मगर तेरी तकदीर खराब हो जाएंगे ना, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा ना, तेरे को बीमारी लग जाएगी, इनको परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, तू तो कामा नहीं बनेंगे, तेरे बनते कामा बिगड़ जाएंगे। एक जादू टोना रहता तो एक नहुसत भी रहती, एक आजाब भी रहता, ईश्वर को बुरा बोले अचानक तेरे पे आजाब नाजिल हुआ तो क्या करता। सब गॉड मैसेंजर अलग थे, ईश्वर ने भेजा स्टेप बाय स्टेप, मगर ईश्वर तो एक ही चाहिए। हर धर्म के अंदर, हर किताब के अंदर उसका जिक्र है, तो वो लास्ट में यही जिक्र मिलता उसका, उसकी जो तुम स्टडीज करेंगे तो लास्ट का कंक्लूजन यही निकलता कि वो ईश्वर एक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। देवता देने वाला, संस्कृत पढ़े सिंधी, देवता देवता यानी के तुमको देने वाला, जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारी देवता है, माँ बाप। सूरज तुमको किरण दे रहा तो सूरज देवता हो गया देने वाला, इसलिए तुम उसको देवता बोलते। और तुमने ये भी देखे कि देवता सब बैठे वाले है और उन्होंने क्या बोलते तो उन पे राक्षसों ने आगे हमला कर दिए, देवता की ताकत कम कर पड़ने लगी, तो उन्होंने कहाँ जाते, भगवान के पास जाते। अब भगवान कौन है, भगवान का मतलब है ज्ञानी, भगवान का ट्रांसलेट करे तो उसका मतलब था ज्ञानी। तो उनसे बड़े ताकत के पास जाते ज्ञानी के, कि हम पे राक्षसों ने हमला करे भगवान बचा ले, भगवान फिर उठ के राक्षसों को मार के जो भी भगवान की ताकत से ये भगवान फिर बचा लेता, ठीक है, देवताओं को बचा लिया। बाद में लास्ट में भगवान ऐसा यूं करके आंखें, कोई भी भगवान को देख लो आंखें बंद करके वो ध्यान में चले जाता। तो किसकी ध्यान में, किसके इसमें जा रहा हो, किसके मुरक्कब बोलते हैं उसको उर्दू में, किसके मुरक्कबे में जा रहा हो, किसको फील करने को जा रहा, क्यों जाता वो आंख बंद करके। हर देवता इसलिए जाते, हर भगवान क्यों जाता आंख बंद करके मुरक्कबे में, कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और वो शक्ति किससे बढ़ाता उन्हें, ईश्वर से। सब में बोले आला कि वो ईश्वर एक है, अर्थ ईश्वर स्तुति प्रथन उपासना मंत्र हा, पहले पढ़ा दें तुम आपको, अर्थ ईश्वर स्तुति प्रथन उपासना मंत्र हा, वो ईश्वर एक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो जगत का ब्रह्मांड का रचनाकारी है, इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिए, वो विश्व सारे जगत को पालनहार है इसको इसलिए विष्णु कह दिए, वो जगत में जलाली है
तो सबसे खतरनाक इसलिए उसको शंकर कह दिए, इसका ट्रांसलेट। मगर क्या है, पहले अर्थ ईश्वर स्तुति प्रत्न उपासना मंत्र रहा, उसकी कोई शक्ल नहीं है, मगर उसको तुमने उसके कार्य के हिसाब से पुकारे, ठीक है। और अगर अरबी में बोलो, बोले मुझे तो अरबी में बोलू क्या, अरबी में है कि कुल हु अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह एक है। और मुझे मेरे तरफ से बोलो, बोले तो मैं बोलूंगा अगर मेरे तरफ से बोलने लगा तो अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इंग्लिश में देखेंगे तो उसका तो नाम गॉड है, उर्दू में देखेंगे तो उसका नाम खुदा है, अरबी में देखे तो उसका नाम अल्लाह है। तो फिर तुम गाली किसको दे रहे, अक्ल के अंदर समझ में आया, तुम्हारे सबसे आखिरी लेवल का जो लास्ट ईश्वर है उसको तुम गाली दे रहे। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट, मुसलमानों का धर्म, क्रिश्चियनों का धर्म और तुम्हारे यहूदियों का धर्म, ये सारे धर्म पढ़ लो तुम, अभी जो फॉलो करते मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी दोनों, डायरेक्ट वो खुदा को फॉलो करते, ईश्वर को, ईश्वर के बाद जो भी इंसान है उसको इंसान को गॉड मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे को ऐसा बता दिया है, तुम्हारी थ्योरी बताया ना मैंने, तुम्हारे गुमराह कर दिया है। तो तुम कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहिए ना तुमको, तुम्हारे लोगों ने, कि भगवान देवता क्या है, देवता से बढ़ के भगवान है, भगवान से बढ़ के ईश्वर है, फिर ईश्वर की कोई शक्ल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है उसकी, कोई मूर्ति मानी कुछ नहीं है उसकी, सिर्फ उसको फील किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो परमात्मा है जिसने आत्मा बनाया। तुम उसको गाली देंगे तो अकल के अंदर तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी, तुम्हारे फ्यूचर बिगड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बनते काम बिगड़ जाएंगे, तरक्कियां रुक जाएंगे, फिर तुम सड़के गल के मरेंगे, किसका कुछ नहीं जाता। तुम बोलने से क्या उसको कम भारी होने वाला है क्या, गालियां देंगे कुछ भी, तुम्हारे भुगतना पड़ता, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत सारी बातें। और ये जादू जो करते लोग एक दूसरे के ऊपर, तो जादू करने वालों जरा समझो और समझो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में है कि जो जादू करता वो हमें से नहीं है, और जादूगर भी हमें से नहीं है, मैं जादूगर की भी शिफात नहीं करूंगा और जादू करने वाली की भी शिफात नहीं करूंगा। फिर कहाँ जाते हैं हश्र के दिन, 124,000 पैगंबर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शफात के लिए आएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पैगंबरों के भी नबी है, आप नबियों के नबी है, तो फिर किसका ने जाना, तुम कौन से नबी के पास, तुम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हमारी शिफात करो। आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे जया मियाँ, मैंने जन्नत में गंदुम खाया था, काल्ला में गुस्से पकड़ता कि बोल के जया मैं मेरे परेशानी में हूँ। तुम लास्ट में आते आते मूसा तक कहेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे अरे मियाँ जया मैंने एक भूखा मार के एक आदमी को मार दिया था, वो दोनों के झगड़े चल रहे थे, काफिर मुस्लिम को भूखा मार के मारा, उन्होंने मर गया, तो कामी को अल्लाह उससे पकड़ लेता कि उनके उनो अलग परेशानी में मेरे के। तो इसलिए सारे नबियां आके अपने नबी के पास में बख्शा के लिए, नबियों के नबी सर ताज अंबिया सीर, सारे अंबियों के सीर का ताज क्यों बोले अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने फरमा दिए मैं शफात नहीं करूंगा, तो तुम कहाँ जाएंगे, कौन तुम्हारा हौज़े कौसर का जाम पिलेगा। और एक बात तुम्हारा ये भी बोलूंगा कि कितना रंगेज दौर चल रहा, इसमें अपने दीन की हिफाजत खुद पढ़ो, खुद समझो और अल्लाह से दुआ करके करो, क्योंकि तुम्हारा को गुमराह कर दिया जा रहा, एक झटके के अंदर तुम्हारा को फितनों के अंदर घेर लिया जा रहा और गुमराह कर दे रहे तुम्हारा को, एक से एक फितने निकले आले बहुत कुछ। इससे पहले भी मैंने बयान करा, ऐसे ऐसे भी फिरके है, तो एक फिरका परस्त उसका नाम तो नहीं लूंगा, तुम पढ़ो उसकी हिस्ट्री तो मंगवा लूंगा, उन्हें बोलता उसका दादा बोलता, अभी तो उसका पोतरा है, उसका दादा बोलता कि मैं और अपने आप को अली के बच्चे बताते, सादात, सादात नहीं होते ये लोग, सादात इनका डीएनए चेक कर लो, ये जितने भी फिरके डालने वाले, जितने भी जमातों के अंदर फिरके डाले, जितने भी सुन्नी जमातों को बांटे फिरके डाल के नाला होने, और सबसे पहले एक ही जमात थी वो थी सहेले सुन्नी जमात, उसने सारे जमातों को बांट के 72 फिरके बटे, वही जमात ओरिजिनल थी कि इधर से यजीद ठहरा था कमबख्त मलून की फौज, और इधर से इमाम हुसैन की फौज, इमाम हुसैन की फौज रियल सुन्नी लोग थे, इमाम हुसैन जो शहीद हो गए, उधर से तो वो बदमाशा नाम के थे, वो जो आज भी तुम आपको दिखेंगे वहां मौजूद, अपने नाम क्या क्या अहले हदीस लगा रहे, तुम कह के अहले हदीस, हम अहले हदीस, हम हदीस पे चलते, तुम नहीं चलते, तुम हदीस को सही बोल के काट देते, तुम अहले हदीस नहीं होते, और तुम यजीद के फौजों में शामिल थे क्योंकि तुम यजीद को रजी अल्लाह तआला ना लगाते, जबकि मालूम पर कैसा लगेगा और रजी अल्लाह तआला ना, इमाम हुसैन और सारे नबी के घराने के बच्चों को सबको शहीद करा उसने, कितना जालिम था। क्या यहिया अलैहिस्सलाम के गवाही भूल गए तुम लोगों ने, उन्हें वहां पर बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला 6 साल की बच्ची को बोलता मैंने तुम्हारे बाबा जान पे जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हारे बाबा जान पे जुल्म नहीं किया, और बच्ची छोटी 6 साल की सकीना जो अपने बाबा के छाती पे चढ़े बगैर सोती नहीं थी, तो वो बच्ची के सामने उसके बाबा जान को शहीद किया गया, उनका नेजे में सर लगाया गया, तो बच्ची ने बोली तू जालिम है, तूने जुल्म किया हमारे घराने के ऊपर। तो बोलता कि कोई है ये मस्जिद कूफे के अंदर, 125,000 लोग वहां नमाज पढ़ते, इतनी बड़ी मस्जिद है ये कूफे के अंदर, कोई जो यजीद को बोल दे कि यजीद ने जुल्म करा वो लोगों के ऊपर, उन्होंने बगावत करा, मैंने बगावत कुछ ला कही की बगावत, तू मस्जिद में ढोल बजा रहा था, तारीखों के अंदर मुरखीन लिखते, तू
मस्जिद में रक्कसाओं को नचा रहा, शराब को हलाल करार दे रहा, दीन में बिगाड़ पैदा कर रहा और अपने आप को बोलता अपन हक पे है। लोगों ने उनको वहाँ बुलाए थे, आज बड़ा मातम मना के बताते क्यों उस वक्त तुमने उनका साथ नहीं दिया, वहाँ बुलाकर धोखे से उनको शहीद करा दिए। खता लिखे थे 70,000 बुखारी के नुज़्ज़तुल शर्र सही अल बुखारी के अंदर लिखा है, 70,000 खत लिखकर बुलाए थे, 70,000 खत लेके आप आए थे, बाद में आपसे धोखा करके वो सब लोग भाग गए, साथ नहीं दिए, मुस्लिम बिन अकी को वहां पर शहीद करा दिया गया। सब वाकया तुम पढ़ो तुम्हारा मालूम होता। तो उन्हें बोलता कि मैं जुल्म नहीं किया, तो याहिया अलैहिस्सलाम वहां से उनकी है कोई कूफे मस्जिद के अंदर बोले गवाही देने वाला कि मैंने जुल्म किया बोलते, तो देखो अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कि शहीद जिंदा है उसको मुर्दा मत कहो लोगो, और वो अल्लाह के पैगंबर की वहां मजार है जिनको शहीद कर दिया गया था। यहीया अलैहिस्सलाम की खबर ऐसी हिलती और वहां से आवाज आती कि ए यजीद मैं फला फला उस दौर का अल्लाह का पैगंबर यहीया अलैहिस्सलाम हूँ, यहाँ मेरा सर मदफन है और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तू मलून है, तू बदबख्त है, तूने नबी के घराने पे जुल्म किया, तू जालिम है, फासिक है, और मैं ये हशर में भी गवाही दूंगा। पढ़ो तारीख मालूम होती। और ये लोग क्या बोलते तो आज ऐसे बातें ला रहे, आज फितना रंगेज ला रहे और बोल रहे कि हम अली के बच्चे, हम अली के बच्चे जितने भी फितना डालने वाले, वो एक फितना डाले वाला उसने तो वैसे तो बहुत है, तो एक का बता रहा हूँ तुम्हारे बयान में, उन्हें बोलता कि शराब उसके होठों को लग गई, उन्हें सैयद है करते, वैसा कैसे सैयद, तू सैयद हो ही नहीं सकता, सादात दीन के अंदर जबर जेर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर का नीचे अगर तुमने कर लिया तो वो सैयद रहते, सैयदा दीन के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं करते, सैयदा दीन के अंदर अगर बिगाड़ पैदा हुई तो अपने खून से गवाही लिख के चले गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत में बिगाड़ कर रहा था यजीद, तो पूरे घराने को छोटे बच्चों को तक कुर्बान कर दिए, है तुम्हारे दिल के अंदर अगर इतनी ताकत और दिमाग के अंदर तो बताओ तुम्हारे 6 महीने के बच्चे को शहीद करके अल्लाह के राह में तुम कर सकते क्या। देखे ना उनके बच्चे को जब बता उठाए तीर मार दिए उसके गले में अली असगर के, तो भी आपने उफ करके नहीं बोले, अल्लाह को सा उठाया आसमान करते के तू इसमें राजी तो मैं भी इसमें राजी, कोई शिकम आपके माथे पे नहीं आई थी। तो ये अल्लाह वाले लोग आते, ये ओरिजिनल सादात है, ये आले रसूल औलाद अली है, और ये भटकते नहीं, ये दीन के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं होने देते, और उनकी नस्ल उनकी ची नस्ल रहेंगे, शेर को बच्चे शेर के पैदा होते, बकरी को बच्चे बकरी के पैदा होते, और शेर का बच्चा खंकारिंगा भोग नहीं सकता, कुत्ते का बच्चा भोगता, शेर का बच्चा दहाड़ लगाता। तो वो ऐसी बात है, कौन कितना उन पे जुल्म दे के वो किया गया, जुल्म की दास्तान भी हुई, तो भी आपने दीन की राह से नहीं भटके, नहीं भटके, नहीं भटके, जेर को भी आपने बर्दाश्त नहीं करे, जबर और जेर को भी बदल नहीं सकते, बोले खत्म हुई बात, ठीक है देख लिए। अब तो ये क्या बोलता, ये एक है कम बखत मलूम, नाम तो नहीं लूंगा उसका, पढ़ो तुम आप सब विचारे समझेंगे तुम, वो बोलता कि उसका दादा बोलता था कि उन्हें शराब का प्याला उठा के करते मुंह को लगा दिया तो उसके होठों को लगते शराब पाक हो जाती थी करते। क्यों पाक होती थी, क्यों पाक होती थी बोलते, उसके होठ पाक है तो उसको छू ली तो शराब पाक। तो मैं बोला मैं अगर वहां रहता था उसके सामने तो मैं बोलता था मलून तू शराब होठों को लगा के पाक कर ले रहा, तू कुत्ते का गू भी तेरे मुंह को लगा दे वो भी पाक हो जाएगा फिर खा ले, कहां फितने डाल रहा तू हमारे दीन में, दीन तेरे बाप दादा का है, दीन अल्लाह और उसके रसूल का है, और तू सादत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तू दीन में बिगाड़ पैदा करने वाला है, दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर ही नहीं सकती सादत की नस्ल। सैयद देखना है तुम्हारे कौन रहते, सैयद इमाम हसन सी इमाम हुसैन, सैयद देखना है तुम्हारे कौन है, सैयद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, सैयद तुम्हारे देखना सैयद गुलबर्गा शरीफ के अंदर, देखो तुम कहां पे भी जाओ वो ओरिजिनल सादात है, ओरिजिनल दीन की तबलीग करे, ओरिजिनल राह थी सबीलिल्लाह में अल्लाह के वास्ते पूरी जिंदगी लुटा दी अपनी, और बाद में क्या बोलते, तो पढ़ो उनकी तारीख है सबके तुम्हारे मालूम है, सैयद गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह सैयद है, सैयद तुम्हारे सैयद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सैयद है, ये सैयदों के सारे हिस्ट्री हैं वो पता चलेंगे, उनके बच्चे उनका खून का सरपा, जैसा इमाम हसन हुसैन का खून वैसा उनके नसल में खून। सादात की जो बात है ये दौर में लोग अपने नाम के आगे सैयद भी लगा दे रहे, मगर उनको ये नहीं मालूम कि अल्लाह को जलाल आ जाता और उसकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता बाद में, क्योंकि तुम सैयद पे तोहमत लगा रहे कि जिस जो भी समझो दूसरे कास्ट का है उन्हें वो नाम हटा के बाद में सैयद, मेरे सामने से कुछ मेटरा आए मैंने देखा पीरा बैद दे रहे, बैद देने के बाद लोग मेरे सामने आए तो मैं सैयद लगा के बोल रहे, मैं बोला तुम कहाँ के सैयद होते, तुम तो पहले खान थे, तो बोले अब हमारे पीर ने हम खिलाफत दे दी तो हम सैयद हो गए, मैं बोला पीर को भी रोड पे लाके जूते से मारो और इसको भी जूते से मारो दोनों को, क्योंकि सैयद किसी को बांटने का लकब नहीं है, सैयद खून के अंदर की बात है, बुलेट लाइन है, बुलेट लाइन कैसी बुलेट लाइन है, वो किसका बुलेट लाइन है, वो है इमाम हुसैन का खून, वो है इमाम हसन का खून, वो है अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खून, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक।
तो वो कौन है? बोल के जिन्नात, शैतान, चुड़ैल, जानवर हर कोई सैयदों का अदब करता। यहाँ तक कि दुनिया के अंदर बहुत सारे काफिर बादशाह तक उनका अदब करते। पढ़ो हिस्ट्रियों के अंदर काफिर बादशाह तक बोलते कि अगर सैयद का खून जमीन पे गिरा दिए, गलती से भी मार दिए या शहीद कर दिए तो हुकूमत चले जाती खड्डे में। पंजाब का जो राजा था उसकी हिस्ट्री पढ़ो, जरा मालूम होता तुम्हारा पंजाब का राजा क्या बोलता उसके बेटों को कि तुमने ये क्या कर दिए नाला को, सैयद उनकी कुछ जंगा चल रहे थे कश्मीर के आगे, हिस्ट्री पढ़ो पता चलता। तो उसके बच्चों ने गए और जाकर जंग की कमांडिंग में सैयद थे कोई तो भी उधर से विरोध करने वाले, उनको शहीद कर दिए। तो बाद में आके बोले ओ जी हमने बोले वो कर दिए, बोले पापा जी उधर का भी फतेह, उनको छोटा मोटा कोई प्रांत था वहाँ के गुटकुश वो उसमें के उनके जो चीफ थे उनका नाम लेके बोले सैयद उनको हमने अलाप कर दिए, कत्ल कर दिए। उन्होंने ऐसा जोर से बोला कि ये क्या कर दिए, हुकूमत मेरी चले जाएंगी, गलती कर दिए तुमने, सैयदों को थोड़ी मारते, उनको बंदी बना के मेरे सामने ला लेना, अपन संभाल के रखते उनको आखिर तक, गलत करे बोल तुमने। उसके बरोबर 60 साल के बाद हुकूमत चलेगी। पढ़ो तुमको मालूम होता, नहीं तो अदब तुमको मालूम ही नहीं तो कहां से तुम करेंगे वे अदबियां कर दे रहे। दूसरी बात तुम्हारे कुछ दास्तान ही नहीं मालूम, अपना ही चल रहा दिन की दास्तान, दिन के कारवायां, खुद को इतना नफसी नफसी कर रहा है इंसान ये दौर के अंदर आना पना और नफ्स के अपनी नफ्स की खातिर शैतान के साथ मिल गया। क्या बोला था कि नफ्स को काबू में रखो, नफ्स बोले तो क्या है मालूम, नफ्स बोले तो तुम्हारे ख्वाहिशात, ये आज मुझे चप्पल होना, आज मुझे जूता होना, आज मुझे ब्रांड की ये होना, आज ब्रांड की गाड़ी होना, आज फलाना होना, ये तुम्हारी नफ्स है। दिखावा करूंगा, घमंड करूंगा, लोगों को गालियां दूंगा, जुल्म करूंगा, नफ्सी नफ्सी कर देती। ये मत करो, इसको उलट करो, गाड़ी होना क्यों होना गाड़ी, चल सीधा पैदल जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे बोलना, ये तुम्हारी नफ्स मरना चाहती मरना चालू होती है, कमजोर हो मतलब, और रूहानी मजबूत होती है, रूहानी को मजबूत करो, उलट करो। नफ्स अगर बोली कि खाना खा बाद में नमाज पढ़ेंगे तो बोलना नहीं नहीं पहले मैं नमाज पढ़ूंगा फिर खाना खाऊंगा, तो तुम्हारी रूहानी मजबूत होती। अभी क्या बोलते थोड़ा टीवी देखेंगे फिर जाके तरावी पढ़ के या कौन सी भी नमाज पढ़ देंगे, नहीं नहीं पहले नमाज पढ़ लेंगे बाद में देखेंगे, तो इससे तुम्हारी नफ्स मजबूत होती, तो ये रूहानी मजबूत होती है और नफ्स तुम्हारी खत्म होते जाती, कमजोर हो के मुर्दा हो जाती हो, क्योंकि उसको हावी हो गई तो तुम्हारी दुनिया आखिर सब बर्बाद कर देती। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तुमको बार बार यही बातें बता रहा कि इन्होंने ये हरकतें कर रहे, ये आजकल जो लाके दास्तान है और वो जितने भी फिरका डाले जमाते बनाए इन्होंने और बांटे, इनके बारे में मैं तुमको यही बोल दूंगा कि यहूदियों के गुलामा हैं, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करे तो ये यहूदियों से मिलके करे, क्योंकि यहूदियों ने पहले तैयार करे, चोला पिनाए, जुब्बा पिनाए, अमामा बने, उसको कुरान हिफ्ज शरीयत का बड़ा अहले इतना बड़ा शेखुल हदीस बनाए कि जिसकी हद नहीं, और बाद में तुम्हारे बीच में भेज के तुम्हारे गुमराह कराए सब बातों में, और उसके नाम के आगे सैयद लगाए, फिर उसको फितना डालने लगाए, फिर तुम्हारे दीन में बिगाड़ पैदा करना, फिर एक जमात फॉलो करने लगा, बहुत से कुटाने करे उन्होंने, और तुम जाके उसको सैयद मान रहे सादात। अबे हो ही नहीं सकता वो सादात, देखे ना सादात कौन रहते और सैयद कौन है, अपनी जाने लुटा दिए करबला के अंदर, मगर बदली ने जबर और जेर तुम बर्दाश्त नहीं कर सके, ये समझो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे दीन की, तुम्हारे आखिरत की, तुम्हारे जान माल इज्जत की हर चीज की हिफाजत करे। बोले थे ना कि आखिरी दौर में हथेली पे अंधार लेके चले जैसा दौर चलेगा, दीन भूले के चलना, बहुत सारी बातें, खैर अल्लाह कहने सुनने से कमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो तेलंगाना।